मूर रामा हो रामा हाँ सुने पानियों की दुनिया से लौटा शहर करी तो देखा करोड़ों करोड़ों है दानी कोई अन्न धन का करे कोई समदान सीमा पर कोई लुटाता जवानी हरिश्चंद्र शिवी दधीचि वाहदानी है अब जिनकी कथा लोग रटते जुबानी मगर मोर ध्वज की मिसल आ गया थी तो परशु भी भर ली थी आंखों में पानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ में लेकर और साधु का भेष बनाए, धर्मराज जी को साथ में शेर बनाते हैं, धर्मराज जी को शेर के रूप में लेकर चल दिए कहां तो राजा मूर्ध्वज के पास। और जब चल दिए उस समय का भाव दिया गया कि धारे गेरुआ, बड़ा पुराना गाना हो, कहे काम धारे गेरुआ गुदरी अर्जुन संग में तब भगवान अब मोर ध्वज की द्वारी जाके अरे मोर ध्वज की द्वारी जाके बोले बन बखान शेरवा हमरे राजा जादे भूखान कहे भगवान मेरी बात महाराज सुनो मनुष्य मांस सिर्फ खाता है बनराज सुनो कई दिन बीत गए राजा साहब लेकिन हमारे शेर के जौन भाई भोजन ना मिलल हो शेर के भोजन ना मिलल हो ऐसे राजा साहब एक बात सुन ला मांस पशुओं का नहीं शेर खाने वाला मांस पशुओं का नहीं शेर खाने वाला कोई दाता न मिला शेर खिलाने वाला कोई भी दुनिया के अंदर नहीं मिला जो मेरे शेर को भोजन करा दे। कारण यही है राजा साहब कि मेरा शेर जो है भेड़ बकरी भैंसा वगैरह वगैरह का मांस नहीं खाता है, मेरा शेर केवल मनुष्य मांस का भक्षण करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ पुजारी के वेश में, साधु के वेश में और धर्मराज जी के शेर बनोले बर्तन परीक्षा ले बदे गैलहन एक दानी कहे कर सरकार आपों के परिवार में हम अली लेकिन एक प्रार्थना भाई आपके परिवार में भी ये हमार शेर के कर मांस खाई कि राजा अरे राजा दे दो निज संतान नहीं तो जाइल चाहे प्राण शेरवा हमरे राजा जा दे भूखान परिवार में भी सबकर मान समार शेर न खाई आपके बेटवा जन छोटा सा बाटन तामर ध्वज के मान हमार शेर खाई है अना ही तो बोला मैंने लौट के चल जाए बाबूजी। जब ये बात सुन रहे राजा मोर ध्वज बड़ा चक्कर में पड़ गए
आज तक हमारे दरवाजे से कोई जनवाए अतिथि के रूप में जायल कब्बू खाली हाथ वापस ना गई। सबके मनसा मुराद पूरा भय और आज जकतिला तो कठिन परीक्षा के समय आ गई। बाबूजी थोड़ा शांति से गेट पर दिया लोगन थोड़ा शांति रो कह रहे हैं राजा साहब आप जल्दीबाजी कीजिए, अपने बेटे का मांस मेरे शेर को खिलाने के लिए तैयार है तो कहिए, स्वीकार कीजिए नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। कैसा ठीक हो महाराज, थोड़ा सा आप मौका दाम 5 मिनट बदले मौका दाम जाती ला अपनी रानी से तनी राय परामर्श लेके आई तब तो कहे तो ई कैसन दानी तू कहिला कि अपनी औरत से राय मशविरा कह की बा कहे सरकार हमारी औरत जो है हमारी रानी जो है पतिव्रता है उनकी भी उनका भी सहयोग रहता है मेरे दान में तो गौर करें जा करके रानी से राजा मोरध्वज कहे काम। अब बड़ा पुरान तर्ज बा यहाँ फिल्म के नाम बा गंवार और तर्ज बा बड़के वह तर्ज बा कि हमसे अरे हमसे तो अच्छी तेरी पायल भरी जो बार बार तोहरा कदम चूमी आप लोगों की तरफ से राम ससुराल चरण स्पर्श पालकी बहन रानी से जाए के राजा मोरध्वज कहलन का कि दो अरे दो साधु आए हैं द्वारी गोरी ए गोरी दो साधु आए हैं द्वारी गोरी जो शेरवा के खातिर भोजन मांगे रोज के भुखायल गोरी जो खाए बदे तोहरा ललन मांगे ये फरमाइश की लेन है मांस उस शेर खाई दूसरे कोई के मांस न खाई। रानी जब ये बात सुनी है रोवे शुरू कह देने आ रोए रो के कहलिन काम के रानी जो है रो रो करके अपने राजा साहब से कहते हैं क्या पियावा के पैया अरे पियावा के पैया पकड़ करके रनिया रोवन लागी हो रोवन लागी आंसुवन सी नजरिया धोवन लागी सुना रो रो के कहे कि फोड़हू न राजा मोरे अरे फोड़हू न राजा मोरे आखी के पुतरिया चलहू त्यागी हो चलहू त्यागी लाल लेके राजा धनिया चलहू त्यागी देखें तो बेटवा के ले की कोनो दूसरे राज्य में चल चल जाए बेटवा के ले की कोनो दूसरे राज्य में चल चल जाए पूरी दौलत पूरा खजाना ई राजपाट सब कुछ साधु बाबा के नाम से कर लिखता लेकिन एक ही आंख के तारा एक ही बेटवा बेटवा के जौन भाई तू
कुर्बान करे बदे तैयार मत हुआ, बेटवा के मांस शेर के मत खियावा, हमार बात मान ला। बार बार रानी रो रो के कहते हैं मतारी के ममता ममता ही होले, बेटवा के प्रति मतारी के हृदय में कितना प्यार होला, वो रो रो के मतारी प्रकट करते हैं कि बेटा पतिदेव बेटवा के मांस शेर के मत खियावा, साधु जी के पूरी दौलत दे दा एकरे बदले। लेकिन गौर करे उसी वक्त होता है क्या, इतने में अहिले अरे इतने में अहिले ललनवा टपकल है पूछन लागी ना, हो पूछन लागी ना, भेद कही के भावनिया रोवन लागी ना, भेद कही के तब तक से तामर ध्वज 10-11 साल के लिए बेटवा अलन है आगे पूछलम आई कहा कर काहे बजे रोत हो, काहे बजे रोत हो। माँ पूरी हकीकत बताती है, सारी हकीकत बताती है कि बेटा दो साधु आए हैं दरवाजे पर, एक शेर को साथ में लिए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए दोनों साधुओं की फरमाइश है कि उनका शेर यदि मांस खाएगा तो तुम्हारे तन का मांस खाएगा बेटा, और किसी जानवर का मांस नहीं खाएगा। ई लड़का जब बात सुनन तामरध्वज तक कहे मतारी तो ई कौन बहुत बड़ी बात बा, अहो भाग्य बा हमार, अहो भाग्य बा हमार। कहे काहे बदे तब बतावे, अरे बतिया तब सुनी के, अरे बतिया तब सुनी के ललनवा भी हसल है कवन भागी ना, हो कवन भागी ना, परही तके करनवा जीवन लागी ना, पिताजी जाकर आप तैयार हो जाइए, स्वीकार कर लीजिए साधुओं के सामने मैं तैयार हूँ, आओ भाग्य है मेरा कि दूसरे के लिए मेरा तन जो है हाजिर हो रहा है, दूसरे के लिए मेरे तन की मांस जो है आज कामयाब हो रही है। नतीजा क्या निकला के शेर पास में आए राजा कहन लगे भगवान, जब स्वीकार की लन है वो समय भगवान कहलन का कि राजा रानी दोनों मिले चिरो अपना संतान, शेरवा हमरे राजा ज्यादे भूखान, राजा साहब देर मत करा, अगर तैयार हुआ तो देर मत करा, अपने बेटवा के मांस में खिलावा, लेकिन एक बात बाय अपने बेटवा की खड़ा कह के राजा रानी दोनों जन आरा ले के हाथ में और अपने बेटवा के तन के दुई टुकड़ा कर दा, लेकिन एक बात बा बाया अंग हमारे सिर न खाई, केवल दाहिना अंग खाई हमारे सिर, बाया अंग के कोई न पूछी। बाबू जी ई देखे कठोर परीक्षा, माता पिता दोनों जन मिल के साथ साथ 5 रुपए का पुरस्कार आ रही महानुभाव रामकरण जी, आप श्रीमान जी की तरफ राम सौसवार चरण स्पर्श पालो जी बहन उपस्थित आप जनता जनार्दन को भी चरण स्पर्श हो। लेकिन गौर करें जब चीरे शुरू कर लेना उस समय का भाव बा कि जैसे मगबदारी में गैया कठुआली, अरे पान कठुआला जबकि हो लिमपात भैया, पान कठुआला जबकि हो रही वैसे, अरे वैसे मतारी के तन कठुआ ललना के चीरल के बात न सहात, अरे ललना के चीरल के बात न सहात, नव महीना हम गर्भवा में ढोवली, नव महीना हम गर्भवा में ढोवली, अब तेलावा फूले लावा ललन के लगाए हो, अरे तेलावा फूले
कैसे के ललना पे यारवा चलई बे और तोले राजा यारा दिल हाथ में धराए हो भैया तोले राजा यारा दिल हाथ में धराए और हर हर यारवा किचन तबला गए आरा खींचे शुरू कर देना है आज अब आरा खींचे शुरू कर बितवा के खड़ा करा कि जब ऊपर से चीरे शुरू कर लेना वो समय भैल कहा कि बाए नयन से गिरावे बेटा अब बाए नयन से गिरावे बेटा भैले दूसरी तदानत तो हरो राजा नवा थाम के कलेजा तब कहले जादू वीरा बाई आंख से वो लड़का के जन्मा आंसू चले लगा भगवान साधु के वेश में जो अर्जुन जी के साथ थे भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे महाराज आपका दिया हुआ दान बेकार चला गया बेकार चला गया। कह क्यों? अतः जब दान दे रहे हैं आप तो रोने की इसमें क्या बात है? रोने की क्या बात है? इसका मतलब कि आप दुख के साथ दान दे रहे हैं, आपका बेटा भी आपसे जो है ए लड़के चुपचाप बेटा आपसे सहमत नहीं था, आप अपने बेटा के इरादा के खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं तभी तो आपका बेटा रो रहा है, उसकी बाई आंख आंसू बरसा रही है। तब राजा मूर्ध्वज कहलन नहीं सरकार बाई आंख काहे बर जरूरत है, सुना आप कहलन कि दाहिना अंग हमार शेर खाई बाया अंग न खाई, हम बतावत थी ला का बतौलन कि बेकार बाया अंग बचवा के अरे हो ये बेकार बाया अंग बचवा के और यही बच बचवा रो रहा सुधार हो तो कहलन मुरारी अरे कहलन मुरारी बाय अंग के बघारी बनवा द राजा हम करबै हारी साहब अगर ये बात बा कि बायांग अमर शेर न खाई ऐसे बाई आंख आंसू बरसाओ कि बेकार हो जाए अंग तो ले जा बायांग के दोनों प्राणी तुलोन काट काट के बोटी बोटी मांस आप बघारी बनावा भाजी के रूप में सब्जी के रूप में तैयार करा हमारे दोनों साधु ये मांस के भोजन कर जाए। राजा साहब बायांग उठाए के ले जाए के महल में और रो रो के रानी से कहें अब का करबू इतना काम जब हो गई दुई टुकड़ा तन कर दिल गई तो फिर एक बार और हृदय की कठोर बनावा और बेटवा के बाया अंग जन बाम बोटी बोटी काट के बनावा। बार बार समझा रहे राजा साहब और कह रहे हैं क्या के अरे प्रेम के भोजनिया तो प्रेम के भोजनिया बने वही के परी हो रानी साधुन के भोजनिया करा वही के परी तो बिलखी बिलखी रानी भोजन बनाई हो और खाना खाने चली भैले पार्थ कढ़ाई हो तो पाच तो है पारस लगा के परी रानी बुला के जब काट काट के तैयार के लिए अर्जुन जी के साथ चल दिए भोजन करने के लिए लेकिन भगवान फरमाइश के लिए पेश के लिए राजा से कि राजा साहब रानी से जाए कि कहता कि पांच थाली में भोजन परोसे हैं पांच जने खाए वाला ही हमने अब तो और चिंता में पड़ गई कहे सरकार आप दुई जन दिखाते हुआ पांच जन के नाम लेते हुआ काहे कहे दुई जन हमारे साधु दुई जन तुलवन दोनों प्राणी एक तुहार बेटवा ई पांचों जन हमारे एक के साथ बैठ के भोजन खाए जी अपने बेटवा के कटलन है अब अपने बेटवा के मान समरे साथ बैठ के अपनी रानी के साथ बैठा के और भोजन कर साथ ही साथ
और अपने बेटवा के बुलावा जवनी लड़का के अभी तू कटलाम वो लड़का के बुलावा और साथ ही साथ बैठा के भोजन करावत, तब हम समझब कि आप दानी हुआ, आपके अंदर कुछ सत्य हो, और नहीं तो फिर हम तुम्हारे दान पर विश्वास कब्बो न कर सकीला। भगवान सोच गए, ये राजा साहब सोच गए अपने अंतःकरण में कि इसका मतलब कोई, कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं हो रही है, भगवान कहीं मेरे दरवाजे पर आकर मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। अंतरात्मा में जब पुकारते हैं तो क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं, और धर्मराज जी जो शेर के रूप में हैं ये भी सठवें हैं, गांडी भारी वो भी बगलिए में है। रो रो करके राजा रानी बुलावे अपने बेटवा के और कहे काम, कहे काम, अरे राजा और रानी तब ललन के गुहराए, तोहे साधु लग बुलावे, तो साधु घर को है, अरे साधु घर को है ले, अमलावे के परी, हरि हो माया के रसरिया हटावे के परी, लोग नाराज होकर चले जाएंगे, बेटा आकर भोजन कर लो। वही पर वो लड़का जिसको राजा और रानी दोनों जन मिल के अपने बेटवा की कटले रहन, वो लड़कवा आए के बैठ गई, समन्वय बैठ गई। आए के बाद भगवान भी साक्षात दर्शन देलन और तुरंत जनवा स्वर्ग से विमान आयल, और ई राजा मोरध्वजन के बेटवा तामरध्वज और रानी तीनों जन सदेह जनवा स्वर्ग गई जन। तो वही पर प्रकट हुआ संतान, रूप दिखला तब भगवान, अरे शेरवा हमारे, शेरवा हमारे राजा क्या दे दुकान, अरे सर परीक्षा, वही सर परीक्षा कोई चली हाजी न विधना, यही परशु कहे लकर जोड़ा।